अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी जानिब से और लाइफ की फैमिली की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। आज हमने सोचा क्योंकि ईद स्पेशल शो है तो क्यों ना कोई आपके लिए ऐसी चीज़ की जाए जिसके अंदर हम हल्ला गुल्ला करें, खूब मस्ती करें और थोड़ा सा रूटीन से हट के शो किया जाए। तो हमने प्लान कर लिया एक गेम शो जिसका नाम है मिनट का गेम। मेरा नाम है आकाश और मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ बहुत सारा फन, और मैं अकेले नहीं करूँगा, मेरे साथ यहाँ पे बड़े खूबसूरत और टैलेंटेड दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक है। अगर मैं एक की तारीफ़ करना शुरू करूँगा तो दूसरा रह जाएगा, और दूसरे की तारीफ़ करना शुरू करूँगा तो फिर दूसरा रह जाएगा। तो बिना किसी ताखील के मैं उनका इंट्रो करवाता हूँ। मेरे साथ सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर आर्डन जोशर, जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जो कि आरजे हैं, जो कि म्यूजिशियन हैं, जो कि एक्टर हैं, और जो कि मॉडलिंग में भी अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्ट। और इनकी और जो अचीवमेंट्स हैं वो भी मैं आपसे अभी शेयर करूंगा कुछ ही देर में। इसके साथ जो हमारी दूसरी मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी इन्हीं की टक्कर की हैं, वो एक्टर हैं और मॉडल हैं, मिस मुस्कान जी। तो बात करते हैं आर्डन से। आर्डन, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने का। तो मुझे ये बताइएगा कि ईद पे क्या चल रहा है, ईद कैसी गुजर रही है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, और ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसपे सबका मिलना जुलना, फैमिली गेट टुगेदर्स, और मतलब शायद पूरा साल अगर आपको नहीं भी टाइम मिल रहा तो ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है। काफ़ी लोग अपने अपने गांव चले जाते हैं, बाकी शहर में फ्रेंड्स एंड फैमिली सब इकट्ठे। अच्छा, ज़बरदस्त। मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ। हमारी दूसरी मेहमान, कुछ ईद वाले दिन हमें उदास उदास ही लग रही हैं। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक हूँ, खैर मुबारक। अच्छा, तो क्या मुस्कान, आपकी माशाल्लाह एक्टिंग चल रही है, मॉडलिंग चल रही है, तो कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ईद पे खुसूसन ईद कैसी गुजर रही है? ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है और थैंक्स आप लोगों ने इनवाइट किया, और अब देखते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे अभी कोई अपना रिसेंट प्रोजेक्ट बताएं जिसके ऊपर काम आपका हो रहा हो, क्या चल रहा है आजकल? ओके, मैंने जावेद बशीर के साथ लास्ट सॉन्ग किया और वीडियो सॉन्ग था, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये प्राइस पे भी हेड चल रहे होंगे, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो आप क्या, आप सिंगिंग की तरफ भी तो नहीं आ रही हैं कहीं? मुझे शौक थोड़ा थोड़ा पैदा हो रहा है, बट अभी तक इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। सही। तो आर्डन, मुझे ये बताएं, आज ईद है तो ईद पे इसके अलावा आप जो भी अपना सारा है शोज कर रहे हैं और आप बिजी शेड्यूल आपका चल रहा है, इसके अलावा ईद फैमिली के साथ मनाना पसंद करते हैं या दोस्तों के साथ? बोथ। लेकिन कोई एक आपको बताना पड़ेगा कि दोस्तों के साथ मनानी चाहिए या फैमिली के साथ? देखें, हर चीज़ में टॉप प्रायोरिटी हमेशा आपकी फैमिली होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो योर फैमिली should be your utmost priority. Our friends are always there. तो ये इतने सारे जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, आरजे भी आप हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आप हैं, एक्टर भी आप हैं, मॉडल भी आप हैं, सिंगर भी आप हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस छोटी छोटी कोशिशें। अच्छा। शायद किसी में भी वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो कुछ वैसे ही साथ। अच्छा मुस्कान, आपकी तरफ आता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आज ईद का दिन है और आज हमने थोड़ी सी बातचीत के बाद बहुत सारा हल्ला गुल्ला करना है, और मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊंगा कि आज हम करने क्या वाले हैं। मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद अच्छी थी या अब की ईद जो है अच्छी है? आई थिंक बचपन की। क्यों, खास बात क्यों? तो बचपन की ऐसी याद थी, मासूम होते हैं, खेलते हैं, कुछ पता नहीं होता, लाइक इंजॉय करना है, कपड़े चाहिए, नए कपड़े जूते, सब फ्रेंड्स को दिखाते हैं, लाइक कुछ ऐसा। लेकिन बड़े होके इतना खास फील नहीं होता कि ईद आ रही है, कुछ ऐसा, और दैट्स इट। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम करेंगे बहुत हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक, शोर शराबा, तो आर्डन के पास मुझे एक वेपन नज़र आ रहा है जो कि मैं चाहूँगा कि आर्डन जो है, आर्डन इस वेपन को आप अगर ज़रा प्ले कर दें तो कुछ हमारा जो है शो, मैं चाहूंगा कि मैं जरा बूस्ट हो जाऊं, मुझे और एनर्जी मिल जाए। चार चांद लग गए। तो सबसे पहले क्या सुना क्या रहे हैं आप बताएं सर? नहीं, आप कोई भी जो है आपकी पसंद का। मुझे साईं बहुत पसंद है। ओके, वो मुझे भी बहुत पसंद है। तो
मुस्कान हो जाए. या श्योर. नक्श तेरा कायम दायम नक्श ख्याली हूं मैं. नक्श तेरा कायम दायम नक्श ख्याली हूं मैं. तू ही राजिक तू ही मालिक तेरा सवाली हूं मैं. साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है. मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं. तू ही मेरा मौला साईं. तन में तू मन में तू रूह के अंदर तू है. तन में तू मन में तू रूह के अंदर तू है. आस है तेरी प्यास है तेरी इश्क समंदर तू है. साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है. मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं. तू ही मेरा मौला साईं. आर्डन मुझे ये बताइए कि ये जो आप गिटार प्ले कर रहे थे तो मैंने काफ़ी कम लोगों को देखा है कि जो गिटार भी खुद प्ले करें और साथ सिंगिंग भी करें. तो क्योंकि म्यूजिशियन जो आपके नाम के साथ लग गया तो उसके अंदर ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आप खुद प्ले भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं. तो इसको ऑलराउंडर आप कहेंगे जैसे क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर होता है. तो ये शौक कैसे हुआ और ये क्या मुश्किल नहीं है क्योंकि ये एक हर अलग अलग फील्ड है. तो ये आपने कौन सी एज में शुरू किया और कितना टाइम हो गया आपको ये सब करते हैं? अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दिस वाज बैक इन परहैप्स 2007-2008. तो पहली दफ़ा मैंने जिनको बिल्कुल आमने सामने गिटार बजाते देखा था तो अनिल सलीम उनका नाम है. उनको मैंने पहली दफ़ा बिल्कुल आमने सामने गिटार बजाते देखा था तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन हुई थी और वहाँ से मैंने शुरू किया था गिटार बजाना. तो बल्कि अगर जो प्रॉपर म्यूजिशियन हैं वो देख रहे होंगे गलतियाँ सब निकालेंगे लेकिन एक शौक है छोटी छोटी कोशिशें जैसे मैंने शुरू में कहा. तो सिंस देन वो एक हॉबी साथ चलती आई. कई जगहों पर थोड़ा प्रोफेशनली भी किया लेकिन This has always been there. अच्छा आज ये आपकी तमाम चीज़ें बल्कि दोनों की मैं आप दोनों को कहूँगा कि ये फेल होने वाली हैं क्योंकि हमने आपने शो का नाम बताया है मिनट का गेम. तो इसके अंदर हम आपको करवाने वाले हैं गेम्स. तो वहाँ पे कोई वोकल नहीं चलेंगे, वहाँ पे कोई गिटार नहीं चलेगी, वहाँ पे एक्टिंग भी नहीं चलेगी. मुस्कान वहाँ पे चलेगा फिजिकल काम. तो मुझे ये बताएं कि फिजिकल फिटनेस के लिए कितनी तैयारी आपने की हुई है आज हमारे इस गेम शो के लिए क्योंकि ये सिर्फ सादा गेम शो नहीं है. इसके अंदर जो जो गेम्स आप जीतेंगे तो आपको और लाइफ की तरफ से एक छोटी सी ईडी भी मिलेगी. तो उसके लिए आपको जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी. तो मुझे ये बताएं कि फिटनेस के लिए क्या करते हैं और आज के लिए स्पेशल क्या करके आए और तैयार हैं गेम्स के लिए? योगा बिल्कुल तैयार है. अच्छा लेट्स डू इट. वैसे क्या करते हैं फिटनेस के लिए? कुछ आप करते हैं उस पे फिटनेस पे काम करते हैं या नहीं? ये सिर्फ वोकल ही करते हैं? कुछ थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स मैंने शुरू किया था. अच्छा लेकिन वो भी मैं थोड़ा भागा हुआ स्टूडेंट हूं. ग्रेट. तो मुस्कान आपकी तरफ मैं आता हूं. तो मुस्कान मुझे ये बताएं कि आप फिटनेस के लिए क्या करती हैं? मैं घर में जिम करती हूं लाइक स्क्वाट्स वगैरह और ये सब चीजें. और इसके अलावा मैं जीतना चाहती हूं गेम. इनका पता नहीं. अच्छा आप जितना चाहती हैं उनका पता नहीं. वो भी मेरे ख्याल से जितना चाहते हैं. आप भी जितना चाहते हैं. मेरे ख्याल से इसीलिए आए. वो भी जितना चाहते हैं. मैं तो कहता हूँ मुझे भी खिला दे. मैं भी जितना चाहता हूँ. okay. जिसमें ईदी मिल रही है भाई वो तो मैं भी खेलने को तैयार हूँ. मैं तो कह रहा हूँ मुझे भी खिला लें. अच्छा तो मुझे थोड़ा ये अपना बताएं जैसे मैंने आर्डन से पूछा तो ये कैसे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक कैसे हो गया आपको और ये इस फील्ड में कैसे आ गया? ओके पहले मेरा इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था बट मैं एक फैशन शो पे गई थी. वहाँ पे मुझे फोटोग्राफर्स ने देखा आप मॉडल हैं लाइक दिस. तो फिर मैंने स्टार्ट कर ली मॉडलिंग. अच्छा. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. कुछ जगहों पे छोड़ने का भी दिल किया कि बिल्कुल छोड़ दूँ इस फील्ड से हट जाऊँ लेकिन मुझे मेहनत करनी थी और मैंने इतना टाइम दिया है तो मैं चाहती थी कि मैं आगे जाऊँ. तो मैं इस फील्ड को नहीं छोड़ना चाहती. फिलहाल मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ. चलें आपकी मेहनत हम भी देखेंगे और हमारे नाज़रीन भी देखेंगे. नाज़रीन मैं चाहूँगा कि एक गाना हम जो है आर्डन से और सुन लें और उसके बाद इनके ज़रा हम टेस्ट लेते हैं कि मुस्कान की एक्टिंग देखते हैं कि मुस्कान जो हैं कितने पानी में हैं. आर्डन का गाना तो हम सुन चुके हैं और जो हमारे पास गेम्स हैं जो हमारे पास टास्क हैं वो हम इनसे करवाएँगे.
तो आर्डन नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं? अनजाने अनजाने ओ ग्रेट। देखा तुझे तो हुआ हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने। तू के तू मेरा दिल दास मुझे हर घड़ी है बस तेरी आस, मेरा दिल के मेरे आस पास ये कैसा दीवाना। तू के तू मेरा दिल दास मुझे हर घड़ी बस तेरी आस, मेरा दिल के तू मेरे आस पास ये कैसा दीवाना। एक रास्ता मेरा एक रास्ता तेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा, दो हम सफर हम दो अजनबी, हम दोनों का एक खुदा, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों क्यों। वाओ आर्यन जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा इससे पहले कि हम गेम्स की तरफ बढ़ें तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें कहा है कि हमने एक छोटी सी एक्टिविटी आपसे करवानी है एक्टिंग की, तो वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मिनट का गेम है। हमारी तमाम जो गेम्स हैं मुस्कान वो एक मिनट के अंदर हमने कंप्लीट करनी होंगी, तो एक मिनट का आपके पास टाइम है। एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ, ईद का दिन है, आपने जाना है अपने रिश्तेदारों के घर और आपने जाना है अपने रिश्तेदारों के घर, तो इस पर आपकी और आप हस्बैंड वाइफ हैं, इसके ऊपर आपकी बहस हो रही है और आपने जो है एक दूसरे से थोड़ी सी लड़ाई करके दिखाई और एक ने कन्वे भी करना मतलब मैं मना लेना है जान। हाँ, और इससे जो है आप जो अच्छा करेगा जीतेगा, तो उसको सबसे पहले जब हम गेम शुरू करेंगे तो पहली नंबर भी जो है उसका इसी बिहाफ पे हम लेकर आएंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप चल रहे मामू के घर? मामू के घर क्यों? आपने ही कहा था मैं ड्रॉप कर दूंगा परसों, आज ईद का दिन है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कहा था मैंने आपको, कहा था पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि हमने मेरे चाचू के घर जाना है ईद के पहले दिन ठीक 4 बजे। तो ये जो मुझे आपने प्रॉमिस किया था उसका क्या? कौन सा प्रॉमिस? कि मुझे चाचू के घर ड्रॉप करना है। देखिए मान जाए आप, मुझे पहले ड्रॉप कर दे फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, आप उसको नेक्स्ट डे कर ले। हमारी पहली ईद है और हाँ। वो तुमने लड़के गुजारनी, तो आप भी तो लड़ ही रहे हैं। 4 बजे मामू के घर बात खत्म। नहीं, चाचू के घर 4 बजे बात खत्म। जाओ फिर। ओके। ये तो टाय हो गया जी, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने क्या टाय हो गया, तो अब हम जो है हो गया, कुछ डांस करेंगे कुछ ऐसे ही करेंगे। ये तो आप लोगों ने रिलेशन ही खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से नाजरीन अब जो है इनकी एक्टिंग तो हमने चेक कर ली है, आप ये जरा फिजिकली कितने फिट होकर आए हैं और ईदी लेने के प्रोग्राम में हैं या नहीं है, या कौन ईदी लेकर जाता है यहाँ से, वो तो हम यहाँ अभी फ्लोर में देखेंगे। उसके लिए हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो हम लोग टेबल पे अपने आ चुके हैं जहाँ पे हमने गेम्स करनी है। डिसाइड ये हुआ था कि हम टास्क करेंगे क्योंकि एक्टिंग दोनों के बराबर रही थी, लेकिन हमने अब ये डिसाइड कर लिया है कि कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों का ही कंपटीशन करवा दिया जाए। तो आप टेबल पर मेरे सामने बॉटल्स देख रहे हैं आर्डन एंड मुस्कान, तो इसमें बड़ी आसान सी गेम है आर्डन, इतनी मुश्किल नहीं है ये। इसमें आपने बंटिस जो है वो शिफ्ट करनी है दूसरी बॉटल में, तो आपका टाइम होगा 1 मिनट का आपके पास, उसके अंदर अंदर आपने ये जो है शिफ्ट करनी है और जो जीता वो सिकंदर। तो आपका टाइम स्टार्ट करने से पहले आप इसके जो ढक्कन है वो खोल लीजिए ताकि आप बिल्कुल रेडी हो जाएं दोनों,
बड़े घबराए हुए लग रहे हैं मुझे आप. क्या हो गया? नहीं, अभी तो बहुत सारी गेम्स बाकी हैं. सब अच्छा, सब अच्छा. आर यू रेडी गाइस? यस. आप लोग रेडी हैं? यस. आप लोग रेडी हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे पता नहीं चल रहा कि आपकी तैयारी. यस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू इट. ओके जी, योर टाइम स्टार्ट नाउ. ओह माय गॉड, गुड गुड. चेक कर रहा है. गुड 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 गुड. मुस्कान सही कर रही है, सही कर रही है. प्रोड्यूसर साहब, ये फैसला अब आपको करना पड़ेगा कि कौन है जी. मुस्कान जो है जीत चुकी है. मुस्कान, ये गेम तो आप जीत गई हैं. अब हमारे पास एक और टास्क है आर्डन. अभी जो है पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गई है. कोई बात नहीं, इससे ये लग रहा है कि जो मुस्कान कह रही थी वो वाकई वैसे बोलने में वो स्लो लग रही थी, लेकिन वो पुशअप वगैरह करके अपनी तैयारी पूरी करके आई हुई है. तो दूसरी गेम हमारे पास जो है वो बॉटम टॉप है, और वो अभी आपके सामने आती है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है. जी, तो हमारी दूसरी गेम रेडी है जिसका नाम है बॉटम्स अप. अच्छा, अब आप ये दोनों देख रहे होंगे कि एक कलर का हमारे पास ये ऊपर कप है, इसको हमने रखना है, और इसमें टाइम आप लोगों के पास 30 सेकेंड है. क्योंकि ये छोटा टास्क है तो इसमें आपने करना ये स्पीडली, इसको आपने शिफ्ट करते जाना है, और ये जो येलो या ब्लू आपके पास है ये नीचे आ जाना चाहिए. ओके, तो आई थिंक सो कि ये गेम आसान है थोड़ी. और आर्डन, अब मैं आपके लिए विश करूंगा कि आप जीत जाएं. थैंक यू, थैंक यू. आप इसे रख दें. यस, तो अपने अपने पोजीशंस ले लें. आप रेडी हैं? यस. आर यू रेडी गाइस? यस. मुझे आर्डन आपकी आवाज नहीं आ रही. लेट्स डू दिस. आप दिमाग के तौर पे हारे हुए लग रहे हो मुझे. नहीं, मुझे फील हो रहा है. चलिए देखते हैं अभी. अच्छा जी, दोनों रेडी हो गए हैं, और योर टाइम स्टार्ट नाउ. ओह सॉरी, ये क्या करना? यस यस यस, शिफ्ट करना है. गुड गुड, उसका नीचे ऐसे. गुड 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 गुड. शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड मुस्कान. आर्डन, आप मुझे अब थोड़े तेज लग रहे हैं, थोड़ी सी आपको स्पीड की जरूरत है और आप ये गेम जीत सकते हैं. और मुस्कान ने अचानक जो है स्पीड पकड़ ली है. मुस्कान स्टार्ट स्लो करती हैं लेकिन बाद में तेज हो जाती हैं. मुस्कान के पास कोई टेक्निक लग रही है मुझे. ओके, ओह माय गॉड, 3 2 1. ओके जीरो. जी स्टॉप 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 स्टॉप. अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कि मुस्कान के पास जो है कितने कप रह गए थे जी. हम गिन लेते हैं. 1 2 3 4 and 5. और आर्डन के पास कितने कप रह गए थे जी? 1 and 2. तो इस हिसाब से इस गेम के विनर जो हैं वो हैं आर्डन जोश है. थैंक यू. 1-1 हो गया जी ये. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगली गेम कौन सी है. जी, हमारा टेबल सज चुका है और अगली गेम जो है उसका नाम है टॉयलेट रश. और ये देखने में तो नाज़रीन बड़ी आसान है, लेकिन आर्डन ये पहले वाली गेम से ज़्यादा मुश्किल है. मैं पहले बता दूं, आपने अच्छी कोशिश की थी. मुस्कान, आपको थोड़ा सा वो मैंने देखा एंड में हो गया था, आपने स्पीड पकड़ी, लेकिन आप अच्छी कोशिश करती तो जीत सकती थी. अब मैं ज़रा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपने खेलना कैसे है. आपने उठाने यहाँ से दो दो रोल, इन्हें आप ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, और खोलने के बाद आपने हाथ साइड पर कर लेने ऐसे. ठीक है जी, और इसको आपने हाथों के ऊपर लपेटने की कोशिश करनी है, रोल करनी. ओके, दोनों हाथों को आप चलाएंगे, उसको पूरा करेंगे, उसके बाद फिर आप दूसरे दो खोलेंगे और उसे पूरा करेंगे. ठीक है जी, ये है. आई होप कि आपको देख के अच्छा लगा. तो रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? मुस्कान तो रेडी हैं, आर्डन आप मुझे रेडी नहीं लग रहे. जी राजी, देखते हैं देखते हैं. ओके जी, चलिए. आर यू रेडी गाइस? यस. आर यू रेडी? या. ओके, 3 2 1. दोनों एक साथ खोलेंगे, खोल के हाथ पे एक साथ घुमाएंगे. ओके, यस यस यस. दूसरा भी खोलें, खुद से खोलें. वेरी गुड, वेरी गुड. मुस्कान दूसरा भी खोलें जैसे आर्डन खोल रहे हैं. दूसरा भी खोलें, और उसके बाद दोनों को पकड़ लेंगे, छोड़ देंगे और रोल करना शुरू करेंगे हाथ के ऊपर. यस, दोनों छोड़ दें, उसको दूसरा उठा लें साथ जैसे वो कर रहे हैं. ओके, गुड गुड. नीचे नीचे छोड़ दे, नीचे फेंक दे उसे. ओके, गुड 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 गुड. यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड. आर्डन यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. जबरदस्त,
उसका एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही हैं आप इनके साथ, शाबाश, गुड 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 गुड, वेरी गुड, ओके जी, काउंट डाउन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ओके जी, तो आर्डन ने, आर्डन मैं चाहूंगा आप एक दफा जरा हाथ ऊपर कर दें, आप कितने हसीन लग रहे हो, क्लैपिंग करके दिखाएं इसके साथ, क्लैपिंग कैसे कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज चाहिए क्लैपिंग के साथ, क्या आप इसके साथ गिटार बजा सकते हैं, मैं दूं गिटार आपको, अच्छा आप बजा सकते हैं, तो जी नाजीन ये हमारी गेम विन कर ली है आर्डन ने, तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास अगली गेम कौन सी है, आपके 2 स्कोर हो गए और आप अभी 0 पे चल रहे हैं, ओके जी, नेक्स्ट गेम देखते हैं कौन सी, अच्छा नाजरीन हमने टेबल हटा दिया है क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इन दोनों का टेबल पे ज़रा हाथ बैठ गया है, तो हमने सोचा कि आप टेबल के अलावा जो गेम्स हैं वो ज़रा इनसे करवाई जाएं, तो ये आज की हमारी आखिरी गेम होगी, और अब तक के स्कोर मैं आपको बताता चलूं, आर्डन के हैं 2 स्कोर और मुस्कान का है अभी तक 1 स्कोर, यानी अगर आर्डन 1 स्कोर और कर जाते हैं तो जीत जाएंगे, और मुस्कान अगर कर जाते हैं तो ये टाई हो जाएगा, हमारे पास बैलून है और हमने बैलून को एयर के थ्रू उसको ऐसे करके आगे लेके जाना है, और ये बड़े मज़े की चीज़ होने वाली है, तो आर्डन मैं चाहूँगा आप अपने पॉइंट पर चले जाएँ, ओके, और मुस्कान आप भी अपने पॉइंट पर चले जाएँ, और एक एक दफ़ा आप अगर बैलून उठा लें हाथ में, ताकि बैलून को हमने फ्लाई कैसे करवाना है हम ज़रा बता चुकें, यस, अच्छा अगर आर्डन आप मुझे दें, ताकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़रा चीटिंग के चांस जो हैं वो कम हो जाएँ, अब जब आपने मुस्कान आर्डन मुस्कान हंस रही, मुस्कान को ऐसे लग रहा है मैं मुस्कान के बारे में बात कर रहा हूँ, हमने जब इसे ऐसे ऊपर फेंक दिया तो उसके बाद हमने हाथ नहीं लगाना है, फिर सिर्फ जो है हमने फ्लाई करवाना है कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं फेल हो गया लेकिन आपने फेल नहीं होना है, आई होप कि आप दोनों रेडी हैं, आप दोनों रेडी हैं, आवाज नहीं आ रही मुझे, आप दोनों रेडी हैं, अच्छा अगर नीचे गिर जाए फिर तो बस, तो आप दूसरा उठाएंगे फिर, आर यू रेडी, आर यू रेडी, यस, ओके, 3, 2, 1, स्टार्ट, गुड गुड, दूसरा चांस है, मुस्कान भाग के जाएंगी वापस, आप अपनी जगह पे, आर्डन शुरू कर चुके हैं, आप अपनी जगह पे जाएंगे, यस यस यस, गुड 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 गुड, आप कुछ बेहतर है, आप कुछ बेहतर है, यस 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 यस, गुड 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 गुड, और यस, और उनका बैलून जो है पहुंच गया, तो प्रोड्यूसर साहब मुझे बताइएगा जरा कि आज की जीत किसकी हुई, टाई हो गया जी, 2-2 हो गया है, और हाँ अगर आप दोनों चाहें तो एक चांस आपको और मिल सकता है, या श्योर, क्या टाई ब्रेकर, आर यू रेडी, मैडम मुझे आप रेडी नहीं लग रहे इस गेम के लिए, और लेकिन टाई ब्रेकर हो जाएगा, आपको एक चांस मैं देता हूँ, आप ये उठाइए, खड़े हो अपनी जगह पे, मुस्कान आप खड़ी, आप एनर्जी ना वेस्ट करें, मैं आपको देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से खेल पाए, बिल्कुल रिलैक्स, जीतना है ईदी लेके जानी है, नहीं तो मैं आपके साथ कंपटीशन करूंगा, रेडी okay. है yes, इसको थोड़ा आपने ऊपर फेंकना है, ओके ओके, अच्छा प्रोड्यूसर साहब मैं ये तीसरा बैलून ले आया हूं, और अगर इन दोनों से ना हुआ, मैंने कर लिया, तो आज की ईदी मेरी है, तो मैं कहां से शुरू करूं, मैं यहां से शुरू करूं, चलें मेल मेल हो जाते हैं और फीमेल अलग हो जाएंगी, ठीक है जी, टाइम भी स्टार्ट मैं खुद ही करवाऊंगा, Are you ready? Yes. Okay. 3, 2, 1, start. Oh. Oh, ये मेरे हाथ लगा लिया. I'm sorry. पहुंची है. Oh no, मुझे no कहना. आज थोड़ा थोड़ा करते करते मेरा भी पहुंचने वाला था. आज की ईदी मेरे नसीब पे नहीं है. So, producers आप फिर result जाता है आप पे. अच्छा जी. अच्छा नाजरीन अभी मुझे बताया ये गया है कि ये भी टाई हो गया, आपने देखा भी स्क्रीन पे, और मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं तो थक गया हूँ आपके साथ एक ही गेम करके, और आज मैंने खुसूसन बड़ा एंजॉय किया है, तो हमने फैसला ये किया है कि ईदी जो है अब आधी आधी हो जाएगी, जैसे बहन भाइयों को मिलती है ना तो एक को मिलती है दूसरे को मिलती है, तो ईदी आपकी आधी आधी हो जाएगी, आप दोनों यहाँ से ईदी लेके जाएंगे, बहुत सारी तालियाँ हार्डन एंड मुस्कान के लिए, बहुत अच्छा आपने खेला नाजरीन, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ और नई गेम्स के साथ, तो अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा, एंड में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारा शो स्टार्ट हुआ था आर्डन ने एक बूस्ट दिया था, तो जाते जाते एक गाना क्यों ना हो जाए,
श्योर। वेपन आपका कहाँ है? वेपन लीजिए। बोलो बोलो तुमने क्या देखा, बोलो बोलो तुमने क्या देखा, तुमने मेरे में क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं मेरी उदास निगाहों में, तुमने क्या देखा क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा। मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला, इकरा तुमसे नहीं है।